नमस्कार दोस्तों, COVID-19 ने इस साल शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बहुत समस्याएं खड़ी करी और इसमें सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा क्लास 10th और 12th के बच्चों को लेकर, क्योंकि जब उनकी परीक्षा लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी उस समय लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई और उसके बाद से यह अभी तक कन्फर्म नहीं किया जा सका था कि किस तरीके से परीक्षा आगे ली जाएगी। पिछले कुछ दिनों में CBSE ने डेट दिया था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में CBSE की बची हुई परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना भारत में लगातार फैलता जा रहा है, लगभग 5 लाख केस हो चुके हैं भारत में और 14,000 से अधिक लोग यहां पर मर चुके हैं, उस कंडीशन में एग्ज़ाम करा पाना बिल्कुल भी संभव दिखाई नहीं दे रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ अभिभावकों ने इस परीक्षा से संबंधित अपनी याचिका डाली थी कि आखिर CBSE कुछ गाइडलाइन दे कि वो किस तरीके से आने वाले समय में परीक्षा कराना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे समस्या क्या आ रही थी। समस्या ये आ रही थी कि जिस तरीके से कोरोना लगातार फैल रहा है उस कंडीशन में अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि इस समय पर डे रोज़ 16,000 के आसपास केस आ रहे हैं, अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि 10th और 12th के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, वो बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस कंडीशन में अगर उनको इस महामारी ने अपने चपेट में ले लिया तो वह खुद भी परेशान होंगे और उनका पूरा परिवार भी इस महामारी के आगे परेशान हो जाएगा। और भारत में जो ये संख्या बढ़ रही है वो इन परीक्षा के आयोजन की वजह से बहुत अधिक बढ़ सकती है, ये खतरा हर पेरेंट को दिखाई दे रहा था और दिखाई देना भी चाहिए। आखिर बच्चे ही देश का भविष्य हैं और अगर भविष्य के साथ ही हम इस तरीके से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो उससे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। उसी लिहाज में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBSE से जवाब मांगा था कि आखिर इन परीक्षाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आज सुप्रीम कोर्ट में CBSE ने कहा कि अब 10 और 12 की परीक्षाएँ स्थगित की जाती हैं, मतलब क्लास 10th और 12th की परीक्षा जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है। 10 की परीक्षा पूरे तरीके से रद्द कर दी गई है, लेकिन 12वीं के छात्रों को ऑप्शन दिया जाएगा। वो ऑप्शन क्या होगा थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आखिर 10 का जो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया गया है फिर रिज़ल्ट कैसे आएगा। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को समझाया कि आखिर परीक्षा का परिणाम फिर घोषित कैसे किया जाएगा। तो CBSE की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये साफ कहा कि जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो डिक्लेयर किया जाएगा जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों के उसके आधार पर। इसका मतलब कि जो आप 3 एग्ज़ामिनेशन इंटरनल के रूप में दे के आए हैं उसी के आधार पर आपको या उसी रेशियो के बेस पर आपको उन सब्जेक्ट में नंबर मिलेगा जिनका एग्ज़ामिनेशन आपने नहीं दिया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आप जो रिज़ल्ट है वो कब डिक्लेयर करेंगे। तो फिलहाल ये कहा गया है कि 15 जुलाई या उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आते हैं 12वीं की तरफ। तो 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, वहाँ पर भी एग्जामिनेशन नहीं होगा लेकिन बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा इस पर CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को यह साफ बताया कि आखिर हम यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं उन सब्जेक्ट का मार्क्स उनके इंटरनल मार्क्स के आधार पर होगा। तो जो 3 आप इंटरनल एग्जामिनेशन दिए हैं उस पर जो आप मार्क्स पाएँ उसी के रेशियो के आधार पर आपको यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी उसी तरीके से किया जाएगा, लेकिन 12th के बच्चों को एक ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन क्या है उस पर CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब हालात सामान्य होंगे, सामान्य होने का मतलब जब केस हमारे यहाँ कम हो जाएंगे और जो ये इतनी ज़्यादा भयावह तरीके से कोरोना फैला हुआ है जब उसका इफेक्ट कम हो जाएगा तब हम बच्चों को ऑप्शन देंगे कि आप अपने नंबर को सुधारने के लिए पेपर जाकर दे सकते हैं। लेकिन जो अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन आपके इंटरनल मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ साफ समझिए, जिस भी सब्जेक्ट की परीक्षा आपने दी है उसका मार्क्स उस परीक्षा के आधार पर मिलेगा और जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उन परीक्षा का मार्क्स आपको दिया जाएगा आपके इंटरनल में जो आपने मार्क्स पाया उसके आधार पर। तो उसको बेस बनाया जाएगा और उसके बेस पर जो रेशियो आएगा वैसा मार्क्स आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और ये एक अच्छा फैसला है। कल इस पर दोबारा भी सुनवाई होने वाली है और नोटिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को जारी करने को कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का डायलेमा
पेरेंट और बच्चों के बीच में नहीं रह सके, क्योंकि यहाँ पे समस्याएं जो हैं बहुत बढ़ गई हैं। क्योंकि ट्वेल्थ के बच्चे अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो वो किस तरीके से अपने ग्रेजुएशन की तरफ आगे जाएंगे, और वही चीज़ टेंथ के साथ भी है कि अगर टेंथ का रिजल्ट सही समय पर डिक्लेयर नहीं होगा तो उन बच्चों के साथ भी ग्यारहवीं के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ये काम सरकार को और पहले करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम सही तरीके से शिक्षा तंत्र के लिए काम नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य देश के लिए खराब हो सकता है। और शिक्षा के लिए फिलहाल तो कोई कुछ ऐसा सच कार्य हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र की पढ़ाई आप करिए। किताबें उपलब्ध हैं, नेट पे उपलब्ध हैं, और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि आप किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। उस वीडियो को देखिए और समझिए कि आखिर आपको कैसे इस समय का सदुपयोग करना है अपने पढ़ाई के लिए। तो आज ये जाके क्लियर हो गया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस वर्ष की जो बची हुई थी वो अब नहीं होंगी, और इंटरनल मार्क्स के आधार पर ही आपको नंबर दिए जाएंगे। ICSE को लेकर भी सुनवाई चल रही है, उस पर जो भी फैसले आएंगे उसके विषय में मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, अपने आप को एक सही दिशा में लेके चलते चलिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भाग माता की जय, गाते रहिए।